अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वेलकम टू केके न्यूज़। हिंदी चार राज्यों में तूफानी खतरा दहशत में, लोग देखिए तस्वीरें। चक्रवाती तूफान फनी ओडिशा में पूरी तट पर टकरा गया है। भुवनेश्वर, गजपति, केंद्रापार और जगतपुर सिंह इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तटीय जिले में रेल, सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। समुद्र तट उत्तर प्रदेश में ओडिशा में चक्रवाती तूफान फनी के कारण बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। लोगों को शुक्रवार को घर से ही रहने की सलाह दी गई है। गोलपुर समेत ओडिशा के तटीय इलाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया जा चुका है। ओडिशा के 7 आसपास के राज्यों में फनी तूफानी से ज्यादा असर की आशंका है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की दहशत में पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के लोगों की सांसें रोक दी गई है। चक्रवाती तूफाने तेजी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है। तेज आंधी और भारी बारिश लोगों में दिल में दहलत फैल गया है। चक्रवाती तूफान फनी की वजह से ओडिशा में करीब 10,000 गाँव और 52 शहर प्रभावित होने वाले अनुमान है। ओडिशा में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम 3 दिन तक पहले ही जारी है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे लोगों के लिए करीब 900 तूफान आश्रय स्थल पर बने हुए हैं। तूफान से बर्बादी और तबाही की आशंका से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ रही है, तो ओडिशा सरकार की बेचैनी भी कम नहीं है। सरकार ने परिस्थितियों का सामना करने की हर संभव तैयारी की है।